हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम सुबह पहुंच गए साइट पे। बस थोड़ी देर से मकसूद भाई आने वाले, तो हम उनसे आज भी रिव्यू लेंगे। और ये हल्की फुल्की बारिश हो रही भी बंद हो जाएगी, और ट्रैक्टर भी अंदर गया हुआ है, तो हमारा वो सामान भी बाहर निकाल लेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम मकसूद भाई और हैदर भाई से बात करेंगे, तो हैदर भाई से तो बात हो गई थी। मकसूद भाई थोड़ा व्यस्त थे, उधर भी इम्पोर्टेंट काम था उनको, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आए हैं। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो अभी वो बताएंगे कि जो हमारा प्रॉमिस था 40 डेज़ का, वो 60 डेज़ में क्यों हुआ। तो इधर भाई, सॉरी मकसूद भाई, क्या प्रॉब्लम आई थी बताइए, जो हमको 40 डेज़ से 60 डेज़ में चलेगा। यहाँ पे है ना, रॉक का बहुत प्रॉब्लम था, रॉक तोड़ने में, ब्लास्ट करने में भी जो है उसमें टाइम लगा, बाकी कोई इशू नहीं था। रॉक के वजह से जो है ये काम जो है लेट हुआ है। 3 मीटर डेप्थ जो है पूरा 3 मीटर ले जाना पड़ा, ब्लास्ट करना पड़ा, ब्रेकर से तोड़ना पड़ा, बाकी कंपनी तरफ से कोई इशू नहीं था। काम तो अच्छा ही हुआ है, वो तो आप लोगों को डेली साइना जी जो है देते ही हैं। जिससे कि उसमें शटरिंग का सामान जैसा, वो कितना लिफ्ट बाय लिफ्ट लगाना पड़ता है, लेयर बाय लेयर लगाना पड़ता है, वो भी एकदम बारीक सा काम है, क्वालिटी में ध्यान रखना पड़ता है, उसके कारण भी थोड़ा लेट हो गया ना। वो तो है ही, तो काम है तो क्वालिटी तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ किया नहीं, इन्होंने दिन रात लगाया है। और इसमें काम में जो है हैदर भाई का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीच में जैसे बीच में टनल से पानी छूट गया, वो प्रॉब्लम भी फेस करा इन्होंने, इन्होंने आधा आधा पानी में रुक के काम किया। जो है काम फिल वक्त चालू ही है, और वो देखिए स्त्री बना हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये पानी इतना भरा पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोग जो है ख़त्म कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और आमिर भाई हैं, साइना जी हैं। ये आमिर भाई, आपको क्या कहना काम के बारे में? ये काम हमारा खूब सुपर फास्ट में गया है, अच्छा प्रोग्रेस निकला है। आउटपुट जो रहा है हमारा डे बाई डे का, वो काफ़ी रनिंग में रहा ना, डे नाइट से वो नहीं है, मतलब अपना जो स्टाफ है काफ़ी मेहनत और लगन से काम किया है, और हार्ड रॉक ब्लास्टिंग वगैरह ये तकलीफ है तो सामने दिख रहा है, इतना ब्लास्ट करना पड़ा पूरा हार्ड रॉक, उसके बाद जो है राफ्ट में भी अंदर जाना पड़ा, और एक ब्लास्ट में सिर्फ जो है 1 फॉर 30 सेंटी जो है टूटता है अपना। तो देखिए 350 मतलब पूरा काम को करने में कितनी प्रॉब्लम आई है, हार्ड रॉक था। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा कि हम लोगों ने 60 डेज में कर दिया। हाँ। क्लाइंट तो हमारा मानने को राजी नहीं था कि 60 डेज में भी कम्प्लीट होगा। वो भी चैलेंज था कि क्लाइंट को भी टाइम पे, वो भी सरप्राइज थे कि भाई इतनी जल्दी हमने काम खत्म कर दिया। बहुत बड़ा योगदान रहा कि बेचारे ने 24 घंटा जो है वर्क काम यहाँ रह के करवाए, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है जो एट ए टाइम टाइम। हाँ जी, ये देखिए आप ही ने इसका ब्लास्ट करवाए हैं, लगभग 3 मीटर का जो है हार्ड रॉक आया है, उसमें ही टाइम है। मेरे हिसाब से तो यही जो है टाइम लगने का, जो 20 दिन जो बढ़ा है इसके वजह से, नहीं तो 40 डेज का तो एकदम कन्फर्म था। बाकी 30 सेंटी जो है एक ब्लास्ट में टूटता है, ब्रेकर से भी जो है ब्रेकर तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटी ही तोड़ पाता है, उससे ज़्यादा नहीं तोड़ पाता ब्रेकर, थोड़ा टाइम लगा नहीं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़। ये देखिए हमारा जो बंदरा है अभी रिटर्निंग वाल, मैं दोस्तों बताने वाला था रिटर्निंग वाल का स्लोप देखिए, इस टाइप से कोई कंजूसी नहीं कर रहे क्वालिटी में, और लेबर देखिए किस तरीके से पूरा वेल ऑर्गेनाइज होकर काम कर रही है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम में ख़त्म कर दिया हमारे प्रोजेक्ट में। बेस्ट ऑफ लक साइना जी और आमिर मियाँ को, और हमारे भाईजान हैदर भाईजान जो बहुत टाइम दिए इसमें, तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की भी आपने लाज रखी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हमारे वर्मा साहब जो बहुत अच्छे हैं, पीएम के पद पे है, वो बहुत अच्छा डिसाइड लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, काफ़ी सपोर्ट रहा उनका भी आपको, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, क्योंकि हम लोग तो ये साइट पे रहते हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन बहुत बाधाएँ आती है वर्क में, कि कुछ ऑफिशियल है कुछ ये है, कहीं मेटेरियल इशू भी हो जाता है कभी कभी, इस तरह से अभी डीजल का जो है बंद हो गया था, तो हम लोग जो है नसुल्लागंज कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट करके, मतलब मैं बताना चाहता हूँ नसुल्लागंज दोस्तों यहाँ से कम 70 से 80 किलोमीटर दूर। हाँ, होगा। सर ने सब पूरा डीजल का अरेंजमेंट करवा के जो है काम चालू करवाया, और टाइम लिमिट में काम जो है, जो हम लोगों का था इतना दिन में ख़त्म करने का, उससे जो है 10 दिन लेट हुआ है, लेकिन हम लोगों ने काम ख़त्म कर। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन के लाइन में वैसा जो प्रोजेक्ट जो टाइमली ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है, 10-5 दिन को माने इशू नहीं रखता है। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, बेस्ट ऑफ लक। तो ट्रैक्टर हमारा बस निकलने वाला है, ट्रैक्टर के पहिए के निशान से पानी निकलते जा रहा है, यहाँ ऊपर है तो ट्रैक्टर नीचे टनल के अंदर से आ रहा है शटरिंग का सामान लेके।
निकलने ही वाला है ट्रैक्टर, जस्ट ये निकल ही रहा है ट्रैक्टर, पूरा सामान लेके निकल चुका है ट्रैक्टर, अभी अंदर कुछ ना बचा है, तो ये तैयारी हो गई बढ़िया। काम वाम छोड़ के बंद करके हम लोग सब बैठे हुए, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और हम लोग ये कर रहे हैं रिलैक्स। तो इधर भाई आज मकसूद भाई आए थे, उन्होंने बताया काम की क्या परिस्थिति थी, क्या प्रॉब्लम थी, तो अभी हमारा एंजॉय करने का समय, कुछ बताना था जल्दी बता दो आप। मकसूद भाई तो चक्कर में पड़े हुए थे, चक्कर में पड़े थे ना काम के, चक्कर में थे और चक्कर लेते हुए जो है 6800 जी हमारी दूसरी साइड है, चेनेस का नाम है ये, चेनेस वाइज बोल रहे हैं, चेनेस वाइज मतलब डिस्टेंस, कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम उसको चेनेस से डिस्टेंस करते हैं, तो वो हमारा जो जीरो है, जीरो से 6300 पे एक स्ट्रक्चर था, वो वहाँ पर थे मकसूद भाई, और हम लोग जो काम कर रहे थे 12100 पे, मतलब किलोमीटर 12100 मीटर पे थे हम लोग। तो हम, मुझे समझ आया ये चेनेस क्या है, 12000 कहाँ से आया, वो हुआ 840 वो हुआ और 6300 पर मैं अभी इटली वर्क बनवा गया और टेथ जिसको 12000 समथिंग कहते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, जाने से पहले कहीं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।